कैसे घटिया घटिया उन्होंने मुकदमे दर्ज करवाए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण का विषय है। जो चिंगारी जगी है, ये चिंगारी जयपुर तक जाएगी। विश्वविद्यालय फर्जी तरीके से झूठे मुकदमे करके और विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने के लिए ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं। अब कोई भी नहीं रोक पाएगा कंप्यूटर अनुदेशक बनने से। फ्लिकी लाया है QR कोड की शानदार ट्रिक। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप और ऑनलाइन पढ़ें। नमस्कार, राम राम खम्मा गणी मारना, मैं नवजीत और आज मैं लेन आया हूँ अपने जोधपुर कलेक्ट्रेट बारे और क्यूआर कई वास्ते लेन आया हूँ। तो बता दूँ कि जिका JNU छात्र संघ अध्यक्ष है रविंद्र सिंह जी, वे लाला 2-3 दिन गिरफ्तार रहा, तो उनने संदर्भ महीने और जिका जिला कलेक्टर है जिका पूर्व अध्यक्ष है वे और कुछ छात्र नेता अपनी पूरी टीम आते ज्ञापन सौंपून आया। तो अपने लोगों का व्यू जाना लगा, एक ही कह रहा कि जो विश्वविद्यालय ने जो झूठे मुकदमे जिस प्रकार से कर्मचारी संघ और रविंद्र सिंह के ऊपर दिए हैं, उनको पूर्ण रूप से उन्हें वापस लेना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हो कि एक अगर शिक्षा के मंदिर में अगर कोई छात्र पढ़ता है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या वो असली हरकत कर सकता है? नहीं सर। एक 80 साल के सेवानिवृत्त कर्मचारी वो ये असली हरकत कर सकते हैं? कैसे घटिया घटिया उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण का विषय है कि आज विश्वविद्यालय को ऐसी नौबत आ गई कि वो ऐसे मुकदमा दर्ज करवा रही है उनके ऊपर। और विश्वविद्यालय को पहले से पता था कि कर्मचारी संघ ने और छात्र शक्ति ने पहले पूर्ण रूप से ज्ञापन दिए थे, उसके बावजूद में मौखिक और लिखित रूप में इन्वर्ट करवा के उनको ज्ञापन दिए, उसके बावजूद में भी विश्वविद्यालय ने किसी प्रकार की भी चीफ प्रोटेक्टर की जवाबदारी होती है कि वहाँ पे करीबन 100 गार्ड वहाँ पे नियुक्त करें, जान मुझ के उन्होंने गार्ड नियुक्त नहीं किए। और आज आप देख लीजिए, एक सवाल एक और खड़ा होता है कि ऐसे सांकला को क्यों निलंबन करना पड़ा विश्वविद्यालय को? कुछ तो निलंबन नहीं किया मगर हटाया क्यों गया? उन पर निलंबन की कार्रवाई करनी चाहिए थी उनको। हटाना और निलंबन बहुत बड़ा फर्क है, इसका मतलब आप सोच लीजिए कि उन्होंने कुछ न कुछ और FO भी इस प्रकार से उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया, उनका कोई मौलिक अधिकार भी नहीं बनता है वहाँ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए। उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, पूर्व में भी उनमें 2007 में मुकदमा दर्ज है पिचियाक जेल के, उनको खुद को पता है और सारी चीज़ें पता है। और ये जिस प्रकार से जो कमेटी के अंदर जो जाँचकर्ता भी कमेटी वाले हैं, शिकायतकर्ता भी कमेटी वाले हैं, ये पूरी धांधली है। पूरा विश्वविद्यालय ने पहले से तय कर लिया था कि इनको किसी प्रकार से फंसाना है, जान मुझ के ये फंसाया गया मुद्दा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगे अगर भविष्य में विश्वविद्यालय और राज्य सरकार नहीं चाहतेगी तो युवा शक्ति समस्त मुख्यालय उपखंड संभाग में जाके प्रदर्शन करेगी और ये आंदोलन जारी रहेगा और आगे से आगे उग्र आंदोलन होगा। मैं इससे ज़्यादा बड़ी बात कह नहीं सकता क्योंकि छात्र हमेशा अपने हितों के लिए आगे बढ़ा और आगे रहा है। उन्होंने रविंद्र सिंह को बिना किसी कारण वश अरेस्ट किया गया है। हम यहाँ पे सभी मिलकर रविंद्र सिंह के रिहाई के लिए आए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। जो गिरफ्तार है अभी, गिरफ्तार है अभी, हाल फिलहाल आगे कोई प्लानिंग नहीं है। हमने आज शांतिपूर्ण सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया है। अगर जल्द हमारी मांगों को नहीं माना गया तो अगला पड़ाव बहुत बड़ा आंदोलन होगा। विश्व गहलोत जी का ये गृह क्षेत्र है, यहाँ से जो चिंगारी जगी है ये चिंगारी जयपुर तक जाएगी, लेकिन अगर हमारी मांगों को मान लिया गया है तो हम यहाँ पर ही आंदोलन को समाप्त। भी निलंबित कर दिया, बिल्कुल आपने सही सुना है, उन पर अनैतिक ढंग से कार्रवाई की गई है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनको कोई जानकारी नहीं दी थी पहले, जबकि कर्मचारी पिछले 2 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपनी पेंशन की मांगों को लेके। लेकिन जब ये आंदोलन हुआ दीक्षांत समारोह के अंदर, तो पुलिस थानेदार को पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी, जबकि ये पूरी जिम्मेदारी कुलपति और चीफ प्रोटेक्टर की होती है। अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो कुलपति पर होनी चाहिए, चीफ प्रोटेक्टर पर होनी चाहिए। उन पर अनैतिक ढंग से कार्रवाई की गई है, उनका भी हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। तो आप जी को जो अध्यक्ष साहब है जिका रविंदर जी, वहाँ वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हो या वहाँ जिका SHO साहब वहाँ वहाँ? विशेष तौर पर सबके साथ ही गलत हुआ है विश्वविद्यालय प्रशासन। पिछले लगातार 3 साल से छात्र हितों के लिए, जो भी छात्र हितों के लिए मांग उठाकर विश्वविद्यालय हेड ऑफिस जहाँ भी गया है उनकी आवाज़ को दबा दिया गया है, कभी भी उनकी आवाज़ को सुना नहीं गया है। और आगे भी अगर इस तरह का बर्ताव किया गया है तो ये राजस्थान की, ये जोधपुर से जो चिंगारी जलेगी, यहाँ से सारे युवा शक्ति एक होकर बुलंद आवाज़ के साथ में हुंकार भरेगी और पूरी ये चिंगारी जयपुर तक जाएगी। विश्वविद्यालय में कुछ दिनों से आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष और युवाओं के साथ में और कर्मचारी संघ के नेता विश्वविद्यालय फर्जी तरीके से झूठे मुकदमे करके और विश्वविद्यालय की
छवि को धूमिल करने के लिए ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे इस विद्या के मंदिर का अपमान हो रहा है, न कि विश्वविद्यालय का, हम इस विश्वविद्यालय से शिक्षा से नाता रखने वाले हम जो लोग हैं, हमारे जैसे लाखों लोग हैं, उनकी छवि को ठेस पहुंच रही है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने एक मर्यादित जो छात्र संघ अध्यक्ष है, जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, एक बुजुर्ग 65 ईयर का जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमेशा आदर करते हैं, उनके ऊपर विश्वविद्यालय ने एक मुकदमा दर्ज किया है। उसमें लिखा है कि महिला के साथ छेड़छाड़ की है। अच्छा। वो महिला प्रोफेसर के साथ, अब उनकी एज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये अन्याय जो हो रहा है विश्वविद्यालय में, इस न्याय की नगरी में जब अन्याय हुआ तब युवाओं ने उसको बीड़ा उठाया और उसके यूनिवर्सिटी ने जो फर्जी मुकदमे किए हैं उसके वापस लेने के लिए आज कलेक्टर को, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। तो आगे कई प्रोसेस रेवल अगर रिहाई नहीं दी उन्होंने तो? रिहाई का मामला जहाँ तक है वो कोर्ट में है और न्यायपालिका जो फैसला करेगी वो हमें सबको स्वीकार है, लेकिन विश्वविद्यालय ने जो फर्जी तरीके से मुकदमे किए वो विश्वविद्यालय वापस ले, नहीं तो यहाँ जन आंदोलन होगा, छात्राओं का आंदोलन भी होगा, सर्व समाज साथ लेके हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन में जो भी जनहानि होगी या कुछ भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन रहेगा। एक जो मैं आपने बताने चाहूँ दर्शक होला, अधिकतर दर्शक ने आप ध्यान नहीं होला कि आप जी की बात बता रहे हो कि मोहन सिंह जी माते एक महिला रहते छेड़छाड़ और आरोप लगाए हो, आपने कही थी कर ध्यान मतलब दर्शक ने बताओ। पुलिस थाना है, पुलिस थाने में यूनिवर्सिटी ने कुल सचिव के नाम पे एफओ जो है फाइनेंशियल ऑफिसर मंगलाराम जी उसके हाथ से एक एफआईआर दर्ज की है, उसमें ये धाराएं उन्होंने लगाई है 354 जो धारा लगी है, 354 धारा में उसके अंतर्गत ये आता है कि महिला के साथ आपने छेड़छाड़ किया, अभद्र व्यवहार किया। वो धारा की कॉपी है मेरे पास में, जिस जो धारा युवाओं पर लगी है उसकी कॉपी है मेरे पास में, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, और 354 जो धारा लगी है उसमें ये आता है कि महिलाओं के साथ आपने छेड़छाड़। तो कौन कोई यूनिवर्सिटी रही एफओ करी है? यूनिवर्सिटी के एफओ है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, और वैसे वहाँ ड्यूटी जो बनती थी वह यूनिवर्सिटी के प्रोटेक्टर की ड्यूटी बनती थी। तो आप हमारा इतनी देर जुड़ी उड़ा जोधपुर कलेक्टेड ऑफिस, हमारा नाम है नवजीत, चैनल लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि शहर जुड़ी हुई बड़ी खबर आपने मिल सके। जय हिंद, जय जोधाना। ये सवाल है कि आज जो ये छात्रों का प्रोटेस्ट था उसमें कैसा रहा उनका प्रदर्शन, या मतलब आप कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? कुछ छात्र संगठनों द्वारा आज विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। सारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हुआ और बाद ज्ञापन वो आराम से विसर्जित हो गए।